नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश पांडे, आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू। मॉर्निंग में 7 बजे माफ़ कीजिएगा, नेटवर्क के ना आने से, भारी बारिश होने से हम शो को नहीं कर पाए थे, पर जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम इन शोज़ को लगातार लाते रहेंगे, तो क्या हुआ, अगर नेट ना भी आए, हम इन शो को लगातार आपको दिन बर दिन लाते रहेंगे, भले कुछ डिले हो जाए पर शो लगातार आपका आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को, एंड चलिए पहले करते हैं हमारा आज का वार्म अप, करते हैं थोड़ी अपनी बॉडी को, जो अपना मेंटल दिमाग है, जो ब्रेन है, उसको थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। तो आपके सामने हमारी वार्म अप क्विज आपके सामने आ चुकी है। किस देश के एरोस्पेस ने भारतीय नौसेना को पूरक मिसाइल प्रणाली प्रदान करने के लिए 50 मिलियन अनुवर्ती अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन सा दोस्तों वो देश है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि है इसराइल। इसराइल के साथ ये अग्रीमेंट हुआ है, कई सारी मिसाइल, चाहे हम क्यू आर सैम की बात करें या कई और मिसाइलों की बात करें, वो इसराइल के गठजोड़ के साथ ही, उनसे अग्रीमेंट के साथ ही दोस्तों आपकी बनी है। सो $50 मिलियन अग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड विद इसराइल। भारत के किन दो राज्यों में गूगल इंडिया एंड टाटा ट्रस्ट की संयुक्त पहल, जिसे इंटरनेट साथी कहा जाता है, विस्तार होगा? A joint initiative of Google India and Tata Trust called Internet Sathi will expand in which two states of India? Punjab Bihar, Bihar Odisha, Odisha Punjab, या फिर बिहार अरुणाचल, कहाँ पर इसका expansion होगा? ये सवाल मेरा आपसे है, उम्मीद कर रहा हूँ इसका जवाब आप सब लोग दे पा रहे होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है उड़ीसा पंजाब। यहाँ ये एक इनिशिएटिव है जो गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर किया है, और इससे इंटरनेट साथी जो है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश है जो श्रीलंका को एक वॉरशिप गिफ्ट करेगा? निम्न में से कौन सा देश है विच हैज़ गिफ्टेड श्रीलंका, माफ़ करना हिंदी मिक्स हो जा रहा है, निम्न में से कौन सा देश है जो श्रीलंका को पोत गिफ्ट करेगा, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ गिफ्टेड द वॉरशिप टू श्रीलंका? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, जो कि है आपका चीन। चीन श्रीलंका को एक युद्धपोत या एक वॉरशिप गिफ्ट कर रहा है। अनीश भनवला बिलोंग्स टू विच गेम? अनीश भनवला किस खेल से संबंधित हैं? अभी हाल ही में इन्होंने शूटिंग में, अगर मैं कहूँ तो इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, तो जाहिर सी बात है शूटिंग में इनका संबंध है। कोक के भारत और दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए M&A, दो जो कि होता है मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्ज करना और अक्वायर करना, या तो दो कंपनियां मिलकर एक हो जाती हैं, या फिर आपकी एक बड़ी कंपनी बिग फिश आपकी एक स्मॉल फिश को खा जाती है, मतलब उसको अक्वायर कर लेती है, उसको अधिग्रहण कर लेती है, तो उसका नेतृत्व, उसके लीड इनमें से कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर्विता सेठ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और अब ले चलते हैं आपको हमारे आज के पेपर पे। मैंने कुछ आज नया सोचा था, एंड मुझे उम्मीद थी कि लाइव में जब आऊँगा तो आपको ये पसंद आएगा। चलिए कोशिश कर लेते हैं रिकॉर्डेड में भी कि आपको बता पाऊँ कि आज से हम नया क्या करने वाले हैं। दोस्तों आज से हम द हिंदू पेपर जो है, जो मैं पहले करता था आज से एक साल पहले किसी दूसरे चैनल पर, जहां मैं पेपर के पेज बाय पेज जो इंपॉर्टेंट है उनको बताता था, तो मैं आज फिर से लाया हूं, और देखते हैं अगर आपको ये पसंद आया तो मैं इसको कंटिन्यू भी करूंगा। दोस्तों ये आपके सामने हमारा पहला पेज है, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेके आया हूं। इस पेज को यहां पर हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों इस पेज की हम बात करें, तो यहां पर अगर मैं मार्क करूं आपके लिए, तो एक खबर आई है, सेंटर ने सेट किया है बॉल रोलिंग फॉर J&K पोल्स। दोस्तों एक वर्ड आता है, इस वर्ड का नाम होता है आपका डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, जिसमें कि जो बाउंड्रीज होती हैं एक स्टेट की, उसको हम डिसाइड करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। तो ये बड़ी खबर है, इस पे इलेक्शन कमीशन और साथ में जो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने शुरू किया है, और उम्मीद है बाय द मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल मार्च तक यहाँ पर चुनाव आपके हो सकते हैं। दूसरी यहाँ पर दोस्तों बात करें, जो कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपके सामने कोशिश कर लाने की, वो दोस्तों है कि सेंसेक्स जो है वो सेकेंड रिकॉर्डेड प्लंज इस साल का हुआ है, मतलब एक तरह से यहाँ पर जो सेंसेक्स है उसकी बात करेंगे। सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स 30 कंपनियाँ होती हैं जो सबसे एक्टिव कंपनियाँ होती हैं एक एक्सचेंज के अंदर, उन कंपनीज़ को हम कहते हैं ब्लू चिप। तो उन कंपनीज़ का जो एक इंडेक्स है, जो बताता है कि देश में जो एक इकोनॉमिक प्रेशर, एक इंडस्ट्रियल प्रेशर कितना है, उसको दिखाता है आपका एक सेंसेक्स, तो वो आपका रिकॉर्ड प्लंज किया है इस साल, इसकी बात हम कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें, तो अभी हाल ही में एक खबर आई थी, और ये आप स्क्रीन पे इनकी अगर फोटो नहीं भी देख पाए चलेगा, इनका नाम है रामविलास पासवान, ये कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, और इन्होंने कहा है कि
जो कंज्यूमर अफेयर्स की मंत्रालय है वो जो ओवरचार्ज होटल रेस्टोरेंट लेते हैं उन पर गौर कर रही है। अभी हाल ही में राहुल बोस का नाम आया था, उन्होंने 442 रुपीज़ का 2 केले खाए थे जिसको लेकर काफ़ी इशू मचा था, उसकी बात यहाँ पर करेंगे। अगर हम रोजगार की बात करें दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट आपका अनएम्प्लॉयमेंट बदलता जा रहा है और करीब जो ड्रॉप आया है सेल्स में और ऑटोमोबाइल्स का वो 18.71% का है। मतलब लोग अब गाड़ियाँ खरीदने में ज़्यादा अपने आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला पेज था और इसमें जो इंपॉर्टेंट खबर हम डिस्कस करेंगे वो पहली खबर है, वो है सेंटर सेट्स द बॉल रोलिंग फॉर जेएनके एंड पोल्स। साथ ही में इंडिया का मैच भी होने वाला, उसकी भी फोटो आपके सामने यहां पर हमने प्रदान कर दी है। चलिए, तो आइए बात करते हैं हमारी पहली खबर की, जो कि है सेंटर सेट्स द बॉल रोलिंग फॉर जेएनके पोल्स। इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों मीटिंग हेल्ड की है जहां पर डीलिमिटेशन का काम किया जाएगा। अब डीलिमिटेशन क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ये जो डीलिमिटेशन है ये किस लिए हो रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हो रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों क्या बनाया गया है, दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जिस वजह से उनको अलग किया जा रहा है, पहला चीज। सेकेंड चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो कि इसके लिए जो एक्ट आपका बना था उस एक्ट का नाम है दोस्तों जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो दोस्तों यहां पर उसका नाम जिसके तहत ये दोनों आपके बनाए गए थे। यहां पर जो व्यक्ति जो इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए वो जो आपके सामने हैं वो है आपका डीलिमिटेशन कमीशन, जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डिसाइड करेगा कितनी कितनी लोकसभा सीट कितनी जगहों पर दोस्तों यहाँ पर जो है वो दी जाएगी। ओवरऑल बात करें दोस्तों तो ओवरऑल जो आपकी है वो आपकी 114 सीट्स हैं। 114 सीट्स में से 24 सीट्स जो हैं वो आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिसका मतलब है कि जो चुनाव होंगे वो आपके 90 सीट्स पे होंगे। एक बात याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में आपका इलेक्शन होगा, आपका लद्दाख में इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा नहीं होगी। तो विधानसभा चुनाव की बात करें तो 90 सीट्स पर आपका ओवरऑल होगा, और अर्लीस्ट टेन जो आपकी थी वो 111 की थी, अब वो आपकी यहाँ पर 90 सीट्स हो गई है, जो कि आप स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। चलिए तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये रहा आपके सामने इसका एक ग्राफिक, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो अब उसके अंदर जो डीलिमिटेशन कमीशन है दोस्तों वो आया है, और हो सकता है मार्च नेक्स्ट ईयर तक आपका यहां पर चले। ओवरऑल द सीट नंबर इज 114, पर जो सीट्स पे चुनाव होगा वो 90 है, क्योंकि 24 सीट अभी है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो ऐसे लोग जो पार्टीशन के बाद जम्मू कश्मीर आ गए थे उनको भी अब ऐड किया जाएगा, पहले उनको विधानसभा चुनाव में वोट देना अलाउड नहीं था, अब उनको भी दोस्तों यहां पर ऐड किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको 50% से ज़्यादा ये खबर समझ में आ गई होगी। ये मैप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर लद्दाख एक साइड दिया हुआ है और एक साइड आपका कश्मीर जम्मू कश्मीर है। यहां पर कारगिल जो पहले एक अलग हिस्सा था वो भी अब लद्दाख के अंदर आएगा, और ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी सुरक्षा और बेहतर यहां पर की जाए, क्योंकि अगर ये इंडिया से हटता है तो अक्साई चीन जो ऑलरेडी चाइना के पास है वहां से इस पर हमला हो सकता है, तो इसको लेकर भी यहां पर बात की गई। सिमिलरली 24 सीट जो दी गई है वो दी गई है गिलगित बल्तिस्तान को, जो कि इंडिया के अंदर बहुत जल्द भगवान करे आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अब पेज टू पे चलते हैं दोस्तों। पेज टू पे कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, पर हाँ पहली खबर यहाँ पर है कि एक INS कोलकाता का मॉडल दोस्तों ये लगाया जाएगा जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में, और ये लगाया जाएगा ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ऐसा वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर, उन्होंने कहा है कि एक बड़े स्केल का मॉडल एक हूबहू कॉपी INS कोलकाता का लगाया जाएगा सबके देखने के लिए, कहाँ पर, एट जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑन द इंडिपेंडेंस डे। दूसरी खबर दोस्तों ये है कि SSC कहा है कि जो SC ST स्टूडेंट्स की फीस है दोस्तों वो अभी भी रखी गई है आपकी 50 रुपये, जितने भी आपके गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहाँ पर जो फीस है वो अभी 50 रुपये ही दोस्तों आपकी रहने वाली है। तो आइए एक बार जान लेते हैं पहले तो हम INS कोलकाता के बारे में। INS कोलकाता का दोस्तों ये जो बिल्डर हैं वो है माजगांव डॉक लिमिटेड। इसको ले डाउन किया गया था 2003 में, पर इसको लॉन्च किया गया 30 मार्च 2006 में, और कमीशन इसका हुआ है 16 अगस्त 2014 में। इसका जो मेन पोर्ट है जहां पर ये आपका लगा रहता है बना रहता है वो है आपका मुंबई, और इसका मोटो है युधाय सर्व सर्वसन्नधा
ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। दूसरी खबर थी सीबीएसई के बारे में, सीबीएसई का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। दूसरा, इसका फॉर्मेशन हुआ आपका 3 नवंबर 1962 में और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है एंड द करंट चेयरपर्सन इज अनीता करवल जो कि एक आईएएस अफसर हैं। ओवरऑल इसके अंडर आपके 20,299 स्कूल इसके अंदर दोस्तों आपके जो हैं वो आते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेंटर ने दोस्तों एक नई ऐप बनाई है जिस ऐप से जो वेस्ट कलेक्शन है उसको उसको देखा जाएगा। बेसिकली ये जो ऐप है, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन की वजह से हो, चाहे वो आपका अर्बन हो, रूरल हो, जितने भी तरह के आपके आपके कचरे हैं उससे कलेक्शन के लिए दोस्तों ऐप बनाई गई है। इस ऐप का नाम जो है वो है आपका दी स्वच्छ नगर ऐप। ऐसा दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसकी घोषणा यहाँ पर की है। इसके अलावा इन्होंने लॉन्च भी किया 5th एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे जो कि अब आपका शुरू हुआ है और इस सर्वे में देखते हैं इस बार कि कौन से सिटीज, कौन से प्रदेश आपके अव्वल नंबर पे आते हैं। सो ओवरऑल जो एक ऐप लॉन्च हुई है जो ऐप फोकस करेगी वेस्ट कलेक्शन पर, उस ऐप का नाम क्या है दोस्तों याद रख लीजिएगा, यही एग्जाम में आएगा, वो है आपका दी स्वच्छ नगर ऐप। अच्छा लगा सेशन तो सेशन को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज हैप्पी बर्थडे है पाकिस्तान का, कल हमारा है, तो भाई हम बड़े हैं, हम छोटों को विश कर सकते हैं, पर भाई वो रोए ना क्योंकि 370 तो गया और कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन से मैंने पहले आपसे कहा ने डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है दोस्तों वो शुरू किया है, ये पेज नंबर 12 पे दोस्तों मेंशन किया गया है। आइए एक बार ग्राफिक देख लेते हैं, पहले ये रहा आपके सामने दोस्तों ग्राफिक, जहां पर आप देख सकते हैं कि करीब करीब 55% जो पॉपुलेशन है वो कश्मीर में रहती है, जम्मू कश्मीर की, और जो कि नंबर से आप यहां पर देख सकते हैं। सिमिलरली लद्दाख की जो पॉपुलेशन है बेहद कम है, अगर हम कंपेयर करें जम्मू कश्मीर की दोस्तों पॉपुलेशन की, उससे बहुत ज़्यादा आपका यहां पर कम है। अगर डिवाइड करें तो जम्मू कश्मीर में आपकी लोग कम हैं और कश्मीर डिवीजन में आपके लोग जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। सवाल उठेगा सर व्हाट इज डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन इज द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिटिंग ऑफ समथिंग। जब किसी चीज़ की सीमा या सीमा तय करने की क्रिया को हम तय करते हैं, कितना सीमा हो, कितना बॉर्डर होगा, उसे हम डीलिमिटेशन कहते हैं। चार बार इससे पहले ऑलरेडी डीलिमिटेशन आपका हो चुका है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। इस बार जो बाउंड्री बेस होगी, इस बार जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी होंगी वो बेस होंगी आपकी 2011 की जनगणना पे, या दे विल बी बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस। समझ में आ रहा है दोस्त, डिलिमिटेशन होगा किस पर बेस होगा, 2011 सेंसस पे, और इससे पहले कितने बार हो चुका है, चार बार इससे पहले ऑलरेडी ये हो चुका है। राजस्थान ने बैक किया है बेस्ट इनोवेशन एंड इनिशिएटिव लीडरशिप अवार्ड, कहाँ पर, एट द वर्ल्ड एजुकेशन समिट जो कि नई दिल्ली में हुआ। यहाँ पर ये अवार्ड दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हायर एजुकेशन भनवर सिंह भाटी ने, उन्होंने दोस्तों इस 14 समिट में राजस्थान को अवार्ड दिया। यहाँ पर दोस्तों एक ही सवाल बनेगा कि किस स्टेट को मिला है द बेस्ट इनोवेटिव एंड इनिशिएटिव लीडरशिप अवार्ड, उसका आंसर जो होगा दैट विल बी राजस्थान। इतना ही याद करना, इससे ज़्यादा याद नहीं करना है। ये खबर द हिंदू में पेज नंबर 13 पर आपकी मेंशन की गई है। अब आते हैं पेज नंबर 14 पे दोस्तों, यहां पर कुछ खबरें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। पहली खबर जो स्क्रीन पे आपके है वो है हांगकांग के बारे में। दोस्तों हांगकांग और चाइना, चाइना के अधिकार के अंदर आता है हांगकांग, हांगकांग इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। इनफैक्ट 1997 के बाद जब ब्रिटेन ने आज़ाद किया था हांगकांग को, तो चाइना ने उसको अपने अंडर लिया था। चाइनीज़ रूल जो हैं काफ़ी हद तक नहीं लगते हैं हांगकांग पे, पर अभी एक रूल आया था जिसका नाम था प्रत्यर्पण लॉ या दी एक्स्ट्राडिशन लॉ। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है अगर किसी व्यक्ति को हमें डिपोर्ट करना है, किसी व्यक्ति को हमें देश से बाहर करना है, तो उसके जो केसेस होंगे वो केसेस हांगकांग में नहीं सुने जाएंगे, वो केसेस आपके चाइना में सुने जाएंगे। तो ये इसको लेकर अपोज था हांगकांग को। हांगकांग वालों का मानना है कि उनका जो नेचर है, उनका ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है चाइना से। जैसे कि चाइना में तो काफ़ी चीज़ें बैंड है, चाहे गूगल की बात कर लें, चाहे हम फेसबुक की बात कर लें, पर यहाँ पर हांगकांग में आज़ादी काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटेड कंट्रीज़। तो उसको लेकर यहाँ पर इशू किया गया है। जो यहाँ के हेड हैं आपके हांगकांग के, उनका नाम है कैरी लैम, उनको हटाने की दोस्तों यहाँ पर बात कही गई है। दूसरी खबर दोस्तों जो है वो है डिस्पाइट ईरान्स होप ब्रिटेन येट टू रिलीज ऑयल टैंकर। मैंने इसको डिस्कस कई बार किया है दोस्तों, ईरान, ओमान, यूएई, इनके बीच दोस्तों एक एरिया होता है,
ये एरिया को कहा जाता है द स्ट्रेट ऑफ हर्मस। ये एक जलडम मरुमध्य है, एक स्ट्रेट है, एक आपका स्मॉल चैनल है जो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट सी ट्रेड में से आता है। अब यहाँ पर ईरान है, मान लीजिए यहाँ पर ओमान है। अब ईरान आप सब जानते हैं कि यूएसए और ब्रिटेन वो इनसे खफा है बिकॉज जो एक न्यूक्लियर डील थी ईरान के साथ उसको हटा दिया गया है। तो अब जो भी यहाँ से ब्रिटेन शिप जाता है लगभग हर तीसरे शिप को ये अपने क्या कर लेते हैं दोस्तों, उसको ये रोक देते हैं, उसको ये रिलीज नहीं करते हैं। तो उसको लेकर अभी भी फिर से ये मैटर गर्म हो गया कि क्या फिर से जो आपका स्ट्रेट ऑफ हर्मस है क्या वहाँ फिर से ये होगा, इसको देखना यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अच्छा, इसके अलावा तीसरी खबर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है जापान। देखो मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसमें बहुत डिटेल में नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ उतना ही याद कर लो, आपके एग्जाम के लिए आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जापान जो है उसने इन द डार्क रखा गया है उसको साउथ कोरिया ट्रेड कंट्रोल पर। अच्छा, ये खबर है क्या? खबर ये है दोस्तों कि साउथ कोरिया जो है उसने कहा है कि जो उसके टोक्यो जो उसके जापान से ट्रेडिंग रिश्ते हैं उसको उसने डाउनग्रेड किया है, उसके साथ उसके रिश्ते खराब हुए हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के, मतलब जो व्यापार होता है जापान के साथ आमतौर पर साउथ कोरिया का, उसमें कमी की गई, जिसको लेकर जापान जो है उसको आइडिया नहीं है कि ऐसा उन्होंने यहाँ पर क्यों किया है। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपकी दोस्तों जो न्यूज़ में चल रही हैं। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रिलायंस, हाँ ये आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिर चलते हैं हमारे आज पेज नंबर 14 पे दोस्तों, जहाँ पर फिर 16 पे दोस्तों, जहाँ पर कुछ खबरें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होता है? जीएसटी काउंसिल वो बॉडी है जो जीएसटी रेट्स को डिसाइड करती है। तो उम्मीद की जा रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए रेट कट आपका किया जाएगा, ये पहली खबर है। दूसरी खबर दोस्तों है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर CSR, जिसके अंदर बड़ी कंपनियां जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ है, उनको अपने 3 साल के प्रॉफिट का 2% निवेश करना होता है, चैरिटी करनी होती है, ऐसे क्षेत्र में निवेश करना होता है जिससे उनका मुनाफा ना हो बल्कि सोसाइटी बेटर करे। तो उसको लेकर भी ये जो एक्सपेंडिचर है CSR का उसको टैक्स डिडक्टिबल करने की बात की गई, मतलब अगर कोई कंपनी CSR करती है तो उसको टैक्स में छूट देने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये एक दूसरी बड़ी यहाँ पर खबर आपके सामने कही गई है। फिर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इसको डिटेल डिस्कस करेंगे आगे तो इसको भी स्किप करते हैं। फिर H1B डिपेंडेंस जो है वो कम हो रहा है, मतलब क्या? H1B दोस्तों एक ऐसा वीज़ा है जिससे आप US में जाके वर्क कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि इसको लेकर डिपेंडेंसी है, मतलब अगर H1B नहीं मिलता है तो आप US में वर्क जनरली नहीं कर सकते हैं। तो विप्रो कहना है कि जो डिपेंडेंसी है, जो एक H1B पर पूरा एक निर्भरता है, वो कम हो रही है। अब कई और मेथड्स निकाले गए हैं एम्प्लॉयमेंट के USA के अंदर। तो H1B याद रखिएगा US में वर्क करने का एक टेम्प्ररी वीज़ा आपका होता है। तो चलिए एक बार ले चलते हैं आपको हमारी खबर पे जो डिस्कस करने वाले हैं। रिटेल इन्फ्लेशन जो है दोस्तों आपका वो 3.15% पे आपका हो गया है और ये जुलाई के अंदर है। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपका जून में आपका इन्फ्लेशन था वो आपका 3.18% का था। अब एक सवाल उठेगा सर कि ये CPI होता क्या है? CPI का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है पहली चीज़। सेकेंड चीज़, जो भी एक कंज्यूमर चीज़ों को यूज़ करता है, चाहे वो खाने के सामान हो, चाहे कोई इस्तेमाल करने का हो या कोई सर्विस लेता हो, उनमें अगर प्राइस चेंज होता है, उनमें अगर मूल्य परिवर्तन होता है, उसको चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए वी हैव एन इंडेक्स, इसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स WPI से डिफरेंट है। WPI मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहां पर जो आपका होलसेल मार्केट है उसको देखता है WPI, ना कि आपके कंज्यूमर मार्केट को। ये जो CPI आपका है ये कंज्यूमर मार्केट को यहां पर दोस्तों जो है वो देखता है। तो यहां पर ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि WPI फोकस करेगा बल्क सेक्टर पे, प्रोडक्शन सेक्टर पे, होलसेल पे, और CPI आपका सर्विसेज पे भी करेगा, गुड्स पे भी करेगा, पर रिटेल बाजार में, कंज्यूमर के बाजार में, जहां पर हम होलसेल की बात नहीं करते हैं, तो वहां पर जो इन्फ्लेशन आपका है वो है 3.15%, जो कि पहले से कम हुआ है क्योंकि जून में आपका था एट 3.18%। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पेपर पे चलते हैं। दोस्तों जैसे मैंने पहले आपसे कहा ऑटो सेल्स डाउन है, तो ये बार एक बार देख लीजिएगा ये सेल्स डाउन कैसी हैं, क्या कर रही हैं यहां पर, ठीक है? ये भी आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, पर हाँ इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि भैया क्या है, कैसे क्या है। उसके अलावा दोस्तों ओला ने अक्वायर किया है या फिर एक्वी हायर किया। अब एक वर्ड यहाँ पर आया दोस्तों, एक्वी हायर। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्वी हायर? एक्वी हायर होता है जब आप एक कंपनी को ना खरीद के उसके एम्प्लॉयज़ को अपने पास रख लो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए, उस कंपनी में 20 लोग काम करते हैं, उन 20 लोगों को आपने अपने पास रख लिया, तो ये क्या हो गया आपका एक्वी हायरिंग।
एक्विजिशन कब होता है, जब आप कंपनी खरीदते हो। यहाँ आपने कंपनी नहीं खरीदी है, आपने जो बंदो जो मेन लोग थे उस कंपनी के उसको अपने यहाँ दोस्तों एक तरह से काम पे रख लिया है, तो उसको लेकर यहाँ पर एक इशू बना हुआ है। नेक्स्ट अब इसकी डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट ने इशू किया है 1,00,000 करोड़ का पार्शल गारंटी स्कीम फॉर NBFC। आप सुनना ध्यान से, NBFCs जो हैं उनके पास कई तरह के एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने मान लेते हैं कंपनीज को लोन दिए होंगे, इंडस्ट्रीज़ को लोन दिए होंगे, इंडिविजुअल्स को लोन दिए होंगे, और जो लोन होता है वो क्या होता है NBFC के लिए या बैंक के लिए, एसेट होता है। सही बात है, मतलब वो पैसा ऐसा है जो वापस आएगा। तो अब इन NBFCs का जो एसेट है उनको अगर बैंक चाहें तो उनको वो परचेज कर सकती हैं, और ऐसा करने पर गवर्नमेंट उन्हें गारंटी देती है कि अगर उसमें लॉस हुआ तो 10% तक जो लॉस है उसको गवर्नमेंट बियर करेगी। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि NBFCs जो हैं जो लोन देती हैं, लोन क्या होता है NBFC के लिए, बैंक के लिए असेट, उन लोन को परचेज कर सकती हैं बैंक्स, और अगर वो ऐसा करती हैं तो अगर उनको लॉस होता है तो लॉस का 10% तक की गारंटी दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो दे सकती है। मतलब अगर 10% का लॉस हुआ उतना लॉस की भरपाई कौन करेगा, आपकी गवर्नमेंट यहां पर कर सकती है। इसके लिए एक स्कीम बनाई जाएगी जो स्कीम में करीब जो टोटल एक उसका कैपिटल है, जो टोटल उसका पूंजी लगाई गई स्कीम में, वो है आपकी 1,00,000 करोड़ रुपए। उसको लेकर भी यहां पर बहस की गई है कि ऐसा कोई स्कीम लाएं जैसे कि जो हमारी बैंक्स हैं वो NBFCs को सपोर्ट करें, उनके असेट्स को परचेज करें, ताकि NBFCs का जो भार है उन पे, जो प्रेशर है NPA का, नॉन परफॉर्मिंग असेट का, बैड लोन का, ऐसे लोन का जो वापस नहीं आता है वो कम हो जाए। ये यहां पर दोस्तों मुझे पूरा पता है कि आप लोग सेशन रिकॉर्ड देख रहे हैं एंड आप में से कई लोग को हो सकता है कुछ डाउट रहे होंगे, पर गाइस मेरी कोशिश है कि हम पेपर को ढंग से पढ़ाएं। चलिए तो अब आगे बढ़ें। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, ओला ने एक्वीहायर किया है AI स्टार्टअप pickup.ai को। ओला की बात करें, ओला कब बना आपका, 3 दिसंबर 2010 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं आपके, बेंगलुरु इंडिया के अंदर हैं। एरिया सर्व कहाँ पर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। की पीपल कौन है, भाविश अग्रवाल CEO हैं और अंकित भाटी जो हैं वो यहाँ के CTO हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की। अगर हम स्पोर्ट्स की खबरों की बात करें दोस्तों तो दो खबरें इंपॉर्टेंट है। पहला, अर्जेंटीना के डिफेंडर थे, उनका नाम था जोसे लुई ब्राउन या होसे लुई ब्राउन, जो कि 1986 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पार्ट थे, उनका दोस्तों देहांत हो गया है और ये खबर अभी कल जारी की गई। नाम क्या है इनका, होसे लुई ब्राउन। सेकंड खबर दोस्तों है, इनका नाम है वेस्ली स्नाइडर, ये मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक थे। ही प्लेड फॉर द हॉलैंड फुटबॉल टीम, उसके लिए मैक्सिमम इन्होंने मैचेस खेले हैं जो कि है 134, मतलब इससे ज़्यादा मैचेस किसी भी प्लेयर ने हॉलैंड के लिए या नीदरलैंड्स के लिए नहीं खेले। इनका नाम स्टाइडर है और 17 सालों के करियर के बाद इन्होंने अब रिटायरमेंट की बात दोस्तों जो है वो कर दी। इनका नाम क्या, इनका नाम है दोस्तों वेस्ट साइड। तो एक तरफ रिटायरमेंट की बात और एक तरफ आपके ओबिचुरी या फिर देहांत की बात करें जब हम बात करते हैं होसे लुई ब्राउन की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एंड जो नई मेरी कोशिश है आपको बेटर करने की मेरे करंट अफेयर शो को, वो आपको पसंद आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उषा पीटी उषा जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है इन दी एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन। उस कमीशन की दोस्तों अभी आपकी जो है वो मेंबर्स आने वाली हैं। इसमें कई और मेंबर्स हैं पर इंडिया के लिए तो एक ही मेंबर इंपॉर्टेंट है, वो हैं पीटी उषा। अगर हम बात करें AAAA की, इसका फुल फॉर्म है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। ये गवर्निंग बॉडी है एथलेटिक्स की एशिया के अंदर। हेडक्वार्टर्स के हैं दोस्तों आपके सिंगापुर में और करंट जो प्रेजिडेंट का नाम है वो है दहलान जुमान अल हमाद, जो 2013 से इस पद पर हैं। इससे पहले एक कल्प्रिट थे इस पद पे जो जिनको करप्ट भी कह सकते हैं, वो थे सुरेश कलमाड़ी, पर अब इस पर आपके दलान जुमान अल हमाद यहाँ पर आपके विराजे। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। चलिए अब बात करते हैं हम हिंदू के अलावा अदर पेपर्स की, अदर सोर्सेज की। यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और उसका डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हैं, ये हेडलाइंस दोस्तों आपकी हैं फ्रॉम PIB, फ्रॉम PTI, फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। सवाल है, इंद्रेश त्रिपाठी को 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए केंद्र सलवा सम्मानित किया गया है, वो इनमें से किस थाने के प्रभारी हैं, देपार पुलिस स्टेशन, थारेट पुलिस स्टेशन, सोनागीर पुलिस स्टेशन या फिर एमआरजी पुलिस स्टेशन। कहाँ के दोस्तों, ही इज द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। द आंसर इज इंदौर पुलिस स्टेशन या फिर द MIG पुलिस स्टेशन। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री कौन है, इसका उत्तर है कमलनाथ, ये मुख्यमंत्री हैं अब मध्य प्रदेश के। अगर हम MP की दोस्तों बात करें, इसका कैपिटल जो है वो है आपका भोपाल। लालजी टंडन यहाँ पर गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ। सबसे बड़ा शहर यहाँ का इंदौर है, टैगलाइन हार्ट ऑफ इंडिया है, डांस आपका जो है वो यहाँ पर माचे, ये हमने कल भी डिस्कस किया था।
आगे बढ़ते हैं। अगर हम डैम्स की बात करें दोस्तों एमपी की, तो डैम्स में आपके दो डैम यहाँ पर हैं, एक है गांधी सागर डैम, दूसरा है आपका इंदिरा सागर डैम। यूनेस्को साइट मतलब विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं, तो वी हैव द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची और द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। एक सवाल मेरा आपसे है कि ये ओरछा कहाँ पर है, क्या ओरछा आपका एमपी में है या कहीं और पर है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग, ऐसे ऐसे आइटम जो उस एरिया के लिए फेमस हैं, तो उनमें इंदौरी पोहा, वाह मुंह में पानी आ गया, और कड़कनाथ चिकन मीट जिसे हम ब्लैक मीट भी या ब्लैक चिकन भी यहाँ पर कह सकते हैं, वो भी यहाँ के इस स्टेट के पार्ट हैं। कजिन सारा लेक, अ न्यूली डिस्कवर्ड लेक इन नेपाल, इज लाइकली टू सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, रिप्लेसिंग होम। कौन सी लेक को रिप्लेस करके जो काजिन सारा झील है दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंचाई वाली झील बन जाएगी। इसका आंसर है तिलचिलोक। दोस्तों ये आपकी लेक है जो हम बताना चाह रहे हैं आपकी काजिन सारा, और इंटरेस्टिंग बात यह है दोनों ही नेपाल में हैं और ये दोनों ही लेक अगल बगल हैं, मतलब जो आपका जो मनांग का डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर ये दोनों लेक्स आपकी हैं, तो ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, एक एरिया से दूसरे एरिया में ही आपका शिफ्ट होगा। पर अब जो लेक का नाम है सबसे ऊँचाई वाली वो कौन सी है, काजिन सारा लेक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। ये लेक जो है नेपाल में, जैसे मैंने पहले आपसे कहा मना डिस्ट्रिक्ट में है। ये लेक की ऊंचाई जो है वो 5500 मीटर है, 5200 मीटर्स है। इसका लेंथ है 1500 मीटर, इसका विड्थ है 600 मीटर, इसका अल्टीट्यूड है 4919 मीटर्स, का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर लॉन्ग, और चौड़ी है ये 1.2 किलोमीटर से। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ डैश मोरेटोरियम ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस बारिंग नेशनल यूनिवर्सिटीज इफ प्रपोज बाय स्टेट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक राज्य द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय को छोड़कर नए संस्थानों को खोलने पर कितने साल तक रोक लगा दी, मतलब NLU अगर हटा दें, अगर राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी हटा दें तो कोई और कब कितने सालों तक अब ओपन नहीं होगा, तो इसका उत्तर है 3 साल। 3 साल तक अब भारत में कोई भी नया लॉ कॉलेज ओपन नहीं होगा विद द एक्सेप्शन ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। अगर हम बार काउंसिल की बात करें दोस्तों, ये आपका सेक्शन 4 ऑफ द 961 एक्ट से आया है, हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली के अंदर हैं, और बस इतना ही याद करिए, बाकी तो यहाँ पर आपको याद करना नहीं है। किस देश ने निजी रॉकेट कंपनी लिंक स्पेस द्वारा RLS-T5 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। यह स्वतंत्र रूप से विकसित पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। कौन सा दोस्तों वो कंट्री है जहां विच कंट्री हैज लॉन्च द RLS-T5 रॉकेट, एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी जो कि है आपका चाइना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाइना की दोस्तों बात करें, कैपिटल इसका बीजिंग है, लार्ज सिटी या आपकी शंघाई है, करेंसी है रेनमिनबी, जिसको लेकर यूएसए ने कहा है कि ये करेंसी जो है, ये कंट्री जो है, ये करेंसी मैनिपुलेटर है, मतलब ये जानबूझ करेंसी कम किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर ये करेंसी न्यूज़ में भी है, सवाल आपके इम्तहान में आ सकता है। सबसे बड़ी रिवर जो यहाँ पर है वो है यांगसी रिवर, और लॉन्गेस्ट रिवर है ये चाइना की। इंडिया में जो आपके स्टेट्स हैं जो कि इसके नेबर्स हैं वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल। जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो अक्साई चिन का एरिया है वो चाइना ने हथिया लिया है। सिमिलरली जो लाइन इंडिया को सेपरेट करती है जम्मू कश्मीर से, लाइन का नाम है दोस्तों द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और द LAC। राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस पर एयर इंडिया ने नई दिल्ली और देश को जोड़ने के दौरान उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन जाएगी। कौन सा दोस्तों वो आपका राज्य है, कौन सा वो आपका कंट्री है, द आंसर इज इट इज सैन फ्रांसिस्को। इसको जोड़ने वाली उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली जो फर्स्ट इंडियन एयरलाइन है जो कि फ्लाई करेगी नॉर्थ पोल से न्यू दिल्ली से लेकर कहाँ तक, सैन फ्रांसिस्को तक। हाल ही में बेंगलुरु मुख्यालय वाले बैंक को RBI से अनुसूचित बैंक दर्जा मिला है, बैंक का नाम क्या है। रिसेंटली अ बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड बैंक हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, व्हाट इज द नेम। पहले तो जानो शेड्यूल्ड बैंक होता क्या है। अगर कोई सेक्शन 2E ऑफ द RBI एक्ट 1934 में आता है तो वो क्या होता है दोस्तों, वो आपका होता है एक शेड्यूल्ड बैंक। तो सवाल यहाँ पर आपसे है कि कौन सा वो बैंक है, तो इसका उत्तर है दोस्तों वो है आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ये कहाँ पर दोस्तों इसके हेडक्वार्टर्स हैं किसके, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के। स्मॉल फाइनेंस बैंक में और पेमेंट बैंक में अंतर ये होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता है, चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग हो, रिकरिंग हो, फिक्स्ड हो, ये लोन भी दे सकता है, पर आपका पेमेंट बैंक सिर्फ करंट और सेविंग्स कर सकता है, ये आपका FDRD या लोन नहीं दे सकता है। हालांकि दोनों का जो पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ होता है जो कि एग्जैक्टली आपका सेम होता है। दोनों का मेन मकसद जो होता है वो होता है वित्तीय समावेशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कम से कम दरों पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, वो इसका अहम मकसद यहां पर होता है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की दोस्तों, और आज हम लेके आए हैं SBI PO मेंस से क्वेश्चंस, ये रहे आपके सामने।
सीए क्रिकेट रेटिंग्स इंटरनेशनल अवार्ड 2019 के दौरान नेशनल क्रिकेटर ऑफ बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? हु हैज बीन अवार्डेड द सीए नेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड द आंसर इज विराट कोहली. अभिजीत गुप्ता का किस खेल संबंध है? विच स्पोर्ट डज ही बिलोंग? शतरंज. G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स सेंट्रल बैंकर गवर्नर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन? द आंसर इज जापान. मध्य प्रदेश में ही ग्वालियर में आपका हुआ था सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स स्थापित किया जाएगा. राष्ट्रीय आवास वित्त के एमडी, हु इज द एमडी ऑफ नेशनल हाउसिंग फाइनेंस? द आंसर इज सरदा कुमार होता. और हाल ही में नेपल्स में किसने जीता था 100 मीटर्स का गोल्ड? आंसर इज द्युति चंद. आखिरी सवाल था, फोर्ब्स के सर्वश्रेष्ठ बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ग्राहकों द्वारा किस बैंक को नंबर एक बैंक के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है दोस्तों आपका HDFC बैंक. द आंसर इज HDFC बैंक. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग हियर एंड मुझे पूरी उम्मीद है आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड मेरा आप भरोसा कीजिए 6 AM का शो और 7 AM का शो कभी बंद नहीं होगा. ये शो आपको लगातार दोस्तों जो है वो मिलते रहेंगे. हाँ, आज टेक्निकल डिफिकल्टी था, फिर भी हम आपके लिए शो यहाँ पर लेके आए. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच.